फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। आज के वीडियो में मैं गायन से संबंधित कुछ परिभाषित शब्दों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाद शब्द से। नाद शब्द क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाद संपूर्ण जगत ही नाद के अधीन माना गया है। जहाँ भी संसार में जीवन है वहीं नाद है, अर्थात ध्वनि है। नाद ही संगीत का आधार है। नाद से श्रुतियाँ, श्रुतियों से स्वर और स्वरों से रागों की उत्पत्ति होती है। नद धातु से उत्पन्न शब्द नाद का अर्थ ही है अव्यक्त ध्वनि। मतलब नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अव्यक्त ध्वनि। नाद ब्रह्म की अनुभूति संगीत द्वारा ही संभव है। नाद से बड़ा ना कोई मंत्र है ना देव। नाद की उत्पत्ति के विषय में संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नकारे प्रणमानम दकार मननम बिंदु जाता प्रणाग्नि संयोगातेन नादो भी दिएते। नकार यानी प्राण और वायु तथा दकार यानी अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद ही वह आधार है जिससे ध्वनि या आवाज़ उत्पन्न होती है। नाद के संयोग से ही वर्णोच्चार भी होता है। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से भाषा तथा भाषा से ही संसार के कार्य चलते हैं। नाद के दो प्रमुख भेद माने गए हैं। पहला है अनाहत नाद और दूसरा है आहत नाद। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विस्तार से। आई होप आपको नाद समझ में आया होगा अच्छे से। नाद के परिचय क्या है, परिभाषिक शब्द है ये संगीत गायन से संबंधित, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नाद के दोनों प्रकार आहत और अनाहत नाद के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।